नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में एक बार पुनः। और आज मेरे साथ एक विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री रवि कुमार जी हैं। और श्री रवि कुमार जी यद्यपि टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हैं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बहुत पहले 1976 में 1970 में मैं पास आउट हुआ 1970 में आपने पास आउट किया और उसके 5 वर्ष तक मल्टीनेशनल इत्यादि में सर्विस करने के बाद आपने पूर्णकालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायित्व ले लिया। और उसके बाद फिर लगभग 36 वर्ष तक आप विदेशों में रहे और आजकल आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संपर्क विभाग के सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि कुमार जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं जयपुर डायलॉग कई बार देखते रहता हूं और तब नहीं सोचा था कि मैं यहां आऊंगा, तो मैं संजय दीक्षित को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय लोगों तक पहुँच रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी शोध किया है भारतीय प्रतिभाओं पर, और एक विषय जो आपसे चर्चा में आया वो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में आया है। तो हमें कई बार ये लगता है कि भारत के प्रति पूर्वाग्रह है पश्चिमी देशों का, क्योंकि जो ये नोबेल प्राइज़ जो इंस्टीट्यूट हुई है, एक तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है, उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन कुछ जो है जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट इत्यादि देती हैं उसमें तो लगता है कि वो पूरी तरह से पॉलिटिकल होती हैं। तो इसमें जो है वो ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो किसी तरह का एजेंडा चला रहे हों, बिना एजेंडा के लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस प्राइज नहीं मिलती है। तो आपका क्या विचार है? बहुत सारे लोगों को नहीं दिया है, उसके लिए वो कारण भी जब बताते हैं तो कारण भी बहुत ही फ्लिम्सी रहता है और उनका एक एजेंडा रहता ही है, इसलिए वो करते हैं। खास करके 1901 से लेकर 1950 तक जो द्वितीय महायुद्ध के पहले का जो यूरोप था उसमें रेसिज्म बहुत था। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वहाँ जब प्रोफेसर थे तो उनको बहुत रेसिज्म झेलना पड़ा। 1950 के बाद धीरे धीरे उनका एक विश्व का दृष्टिकोण थोड़ा बदलने लगा। फिर भी बहुत सारे भारतीयों को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसमें एक यूरोसेंट्रिज्म उसका कारण है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिकों को भी, जैसे डॉक्टर सी वी रमन को मिला, लेकिन बहुत सारे लोग रह भी गए। बहुत सारे लोग रह गए। उदाहरण के लिए सब लोग जानते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े जो नाम है डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस, हाँ, तो उनको नहीं दिया। और उस समय कारण बताया कि उनको नॉमिनेट भी नहीं किया, ये कि उनके पास PhD नहीं है इसलिए हम नहीं देंगे। तो ये सब नहीं देने के लिए कारण निकाल लेते हैं। वैसे बाकी किसी को भी वो लोग किसी यूनिवर्सिटी में बुलाकर भी PhD दे देते हैं कि आप बिना शोध किए भी आपके दर्जा ऐसा है कि आपको देना चाहिए। तो जब सत्येंद्रनाथ बोस को नहीं दिया तो इसके कारण आइंस्टीन को बहुत दुख हुआ और आइंस्टीन ने बोला कि इनको तो भी उन्होंने माना नहीं, तो आगे चलकर जो छोटा पार्टिकल उसका नाम बोसान करके आइंस्टीन के रिकमेंडेशन पे उनको उसका नाम दिया गया। उसके आविष्कार में इनका भी योगदान है और एक डिराक करके एक साइंटिस्ट उनका भी योगदान है, इनको दिया गया। और जब इनका और आइंस्टीन ने मिलकर एक आइंस्टीन बोस कंडेंसेट किया था तो उन्होंने बोला कि आइंस्टीन कंडेंसेट उसको नाम दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें जो कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है वो सब पूरा इन्होंने किया, तो मैं तो मैथमेटिक्स में उतना जीनियस नहीं हूँ, तो इसलिए उनका भी नाम लेकर आइंस्टीन बोस कंडेंसेट, फिर आइंस्टीन बोस स्टैटिस्टिक, ये आइंस्टीन के कारण उनको एक रिकग्निशन मिली थी। तो कई जगह पर ऐसे कई लोगों का तो नाम ही नहीं आया। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जैसे आचार्य जगदीश चंद्र बसु का भी नाम आता है कि उनको भी मिलना चाहिए था? डॉक्टर 1901 में और 1902 में लोगों को लगा कि जगदीश चंद्र बोस को मिलेगा। साधारण कोई विषय एक विषय पे भी शोध करता है तो नोबेल प्राइज मिला है रॉन्टजेन को एक्सरे के कारण। कोई दो विषय पर अगर वो शोध करता है, जैसे आइंस्टीन है, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक अलग विषय है, और उनका जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी अनकनेक्टेड अनदर सब्जेक्ट, तो हम कहते हैं इसे जीनियस। लेकिन इनके में तो इन्होंने तीन
डिस्कनेक्टेड सब्जेक्ट के बहुत बड़ा शोध किया है। उन्होंने पहले ये बताया कि प्लांट्स ऑफ लाइफ, ये एक अलग विषय बॉटनी और लाइफ साइंस के ऊपर। दूसरा उन्होंने बताया कि रेडियो का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन आपने मार्कोनी को दे दिया। मार्कोनी ने जो पेटेंट किया था वो इंस्ट्रूमेंट मार्कोनी ने नहीं तैयार किया था, उसने इनके मशीन को चोरी करके अपने नाम पे पेटेंट किया है। IEEE ने हमको लेटर दिया है, जब मैं सिडनी में था तो मैंने लिखा तो IEEE ने हमें लेटर दिया, वी आर अशेम्ड ऑफ मार्कोनी इज़ द बिगेस्ट इन द साइंटिफिक फील्ड 20th सेंचुरी में, इट्स द बिगेस्ट फ्रॉड करके। तो उसको हमने रेडियो सिडनी में को बताया कि देखिए यू आर टॉकिंग ऑफ मार्कोनी, तो उन्होंने करेक्ट किया कि द रियल फादर ऑफ रेडियो इज़ जगदीश चंद्र बोस। ये दूसरा उनका आविष्कार था। तीसरा है कि मेटल्स ऑल्सो हैव कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर दे गो अंडर गो दे बिकम टायर्ड एंड देयरफॉर उनको रेस्ट देना चाहिए। तो ये जो मेटालिक फटीग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ये तीसरा विषय है। ऐसे तीन अलग विषय पर जो कहता है उसको क्या कहेंगे हम, इज़ मोर देन ए सुपर जीनियस वो, लेकिन उनको नहीं दिया तो इट वॉज ए मिसकैरेज। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति, एक लेडी है अमेरिका में, सारा बुल, उसने देखा कि दो बार भी इनको नॉमिनेट किया, नहीं किया, इसको साइड ट्रैक किया है। तो शी केम विद द इक्वेलेंट अमाउंट ऑफ 2 Nobel Prizes और वो जगदीश चंद्र बोस को दिया कि प्लीज़ यूज़ दिस फॉर योर लेबोरेटरी एंड फर्दरिंग द कॉज ऑफ साइंस। तो ये भी एक है कि वहाँ एक अच्छे व्यक्ति भी थे लेकिन नोबेल प्राइज वालों ने नहीं दिया उनको। और ये स्वीडिश अकेडमी, सॉरी, ये हाँ स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि कहते हैं कि भाई उनका जो रिलेटिवली फेयर है, ये उसकी स्थिति है। तो बाकी जो है वो लिटरेचर वगैरह में, तो हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जब लिटरेचर प्राइज़ मिला तो यद्यपि वो तो अपने एक महान सुपर जीनियस थे, वो अलग ही बात है, लेकिन फिर भी उनको भी कनेक्शंस यूज़ करने पड़े थे। आजकल ऐसा ही है कि कनेक्शन के बिना कुछ होता नहीं है। अब भारत ने भी एक सबक सीखना चाहिए कि हम अपने दबाव वहाँ लाना चाहिए, और हमारे पास इतने इंटेलेक्चुअल ताकत है, अब हम दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव ला सकेंगे। एक लॉबिंग करना पड़ेगा तभी। आज भी अगर हमें चाहिए, केवल योग्यता के बल पे नहीं आएगा, ये भी हमें करना पड़ेगा। भारतीय लोगों को ये भी सीखना पड़ेगा कि लॉबिंग करना ज़रूरी है। और कौन कौन से महान व्यक्तित्व हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था? मेघनाथ साहा, दो 20वीं शताब्दी में जो 10 महान शोध हुए हैं उसमें से एक है इनका आयोनाइजेशन प्रिंसिपल, साहा आयोनाइजेशन प्रिंसिपल, जिसके कारण आप डिस्टेंट स्टार्स जो है एस्ट्रोफिजिक्स में, उसके डिस्टेंसेस और उसके लाइफ के बारे में बता सकते हो। तो एक मूलभूत उन्होंने शोध दिया है, लेकिन उनको नहीं मिला। सत्येंद्रनाथ बोस को नहीं मिला, और G.N. रामचंद्रन, वो केमिस्ट्री में उनको मिलना चाहिए था। सर सीवी रामन ने उनका नाम रिकमेंड किया था कि इनको देना चाहिए करके, तो वो भी नहीं मिला। तो ऐसे अभी अभी के जो साइंटिस्ट, 2 साल पहले जिनका निधन हुआ, उनका नाम है जॉर्ज सुदर्शन। जी हाँ, जी हाँ, जॉर्ज सुदर्शन ने इतने सारे शोध किए हैं, किसी भी एक विषय को लेकर उनको 1 या 2 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो शोध किया वो दूसरे के नाम पे मिल गया। दूसरे थे येल्लप्रगडा सुब्बाराव करके। येल्लप्रगडा सुब्बाराव एक गरीब घर से आए हुए, 1940s में वे अमेरिका में गए, 1948 में उनका निधन हुआ। जो दवाई उन्होंने शोध किया था कैंसर के लिए, वो आज भी उपयोग में आ रहा है, लेकिन उनको नहीं दिया। ऐसे कई रोगों के लिए जो उस समय का उन्होंने शोध किया था, जो दवाई निकाली थी, आज भी उपयोग में आ रहा है। तो वहाँ के साइंटिस्ट, उनके साथ जिन्होंने काम किया, उन्होंने इसका विरोध किया कि इनको क्यों नहीं मिला करके। तो उनका एक फेमस वाक्य है, वी ऑल लिव टुडे फॉर ए लॉन्गर पीरियड बिकॉज ही लिव्ड फॉर अस। उनके शोध के कारण हम लोग का आयु बढ़ गया है, दुनिया के लोगों का। तो येल्लप्रगडा सुब्बाराव का भी लोग लेते नहीं हैं। तो इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया था, द प्राइज करके, बहुत फेमस था वो। और उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने नोबेल प्राइज़ को ऐसा खराब एंगल से नहीं सोचना चाहिए। तब उन्होंने एक और पुस्तक लिखा छोटे से, कि वाई व्हेन आई इंटरव्यूड वेरियस पर्सन्स ऑफ द नोबेल प्राइज कमिटी, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया करके उन्होंने लिखा है, ए बुक ऑन द बुक करके। तो उसमें यह है कि बहुत बायास उसमें से दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा कि गांधी जी को क्यों नहीं दिया, तो बोले कि वो इस गांधी, वी डू नॉट नो, ऐसा उनका। फिर एक अमेरिकन ऑथर है जिसने चाइना के ऊपर एक पुस्तक, गुड अर्थ करके एक पुस्तक लिखा था, तो उन्होंने पूछा कि उनको क्यों दिया, कि हर लिग्स आर वेरी शेपली,
ऐसे सब उत्तर जब दिया था तब बोला कि तब मैंने ये नावल लिखा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो पर्ल बक, पर्ल एस बक। तो ऐसे एक समय था कि थोड़ा रैम्पेंट था, क्रिकेट में भी ऐसा ही होता था, आप पाकिस्तान में जाके एक भी मैच जीत ही नहीं सकते, 13 लोगों के साथ खेलते थे। लेकिन जब अंपायरिंग इसी तरह की होती थी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते। वन ओवर ऑफ कुंबले करके बहुत फेमस है, एक एक बॉल में आउट हो रहा है रिकी पॉन्टिंग, फिर भी नहीं दिया। लेकिन अब जब कैमरा सब आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और आपको एक्शन रिप्ले सब देखते देखते तो अब दौड़ा मुश्किल है। तो वही अभी दिखता है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण उनको भी दे हैव टू प्ले फेयर करके ध्यान में आता है। वो भी वो उनको दिखावा करना पड़ता है, वो दिखाते हैं कि हाँ हम फेयर कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो इसलिए उनको करना पड़ता है। इन दिनों में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत योगदान दिया है। हमारा एक तरह की डिजिटलाइजेशन में UPI जो है उसका दुनिया भर में अभी मांग है। सिंगापुर कह रहा है कि हमको UPI चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा है। और हमारे यहाँ मैं जब एयरपोर्ट में जाता हूँ, डिजी यात्रा, इतने आसानी से आप सीधा निकल जाते हो क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेट किया है कि मेरे पर्सनल डेटा, मेरा फोटोग्राफ, मेरा आई लीड्स सब। तो इसके कारण वहाँ चेकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो यार गोई इतनी सरलता से, बाकी एयरपोर्ट में आप निकल भी नहीं सकते हैं। अब लोग भारत के साइंटिस्ट, एक समय क्रिटिसिज्म था आप वहाँ गूगल के लिए काम करते हो, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो, हमारे देश को क्या फ़ायदा वगैरह। लेकिन जो इंटेलिजेंस है धीरे धीरे तो परकुलेट होगा, ऊपर से नीचे तक आता है। अब हमारे साइंटिस्ट हमारे देश के लिए भी कर रहे हैं और उसको हम व्यापार के नाते दुनिया भर में देते हैं। इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये सब आने वाले दिनों में भारत टेक्नोलॉजी के कारण बहुत आगे बढ़ेगा। 5G में अभी हम है, अभी 6G में 200 पेटेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसका मतलब जब 6G आएगा तो इंडिया विल बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड इन 6G टेक्नोलॉजी। तो ये एक नया किरण दिखता है हमको। इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड तो भारत कर रहा है इंटरनेट का उपयोग, क्योंकि जियो इतना सस्ते में सबको दे दिया है। भारत में जितने सस्ते में टेलीफोन और इंटरनेट का दाम है, ये बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं इतना सस्ता। तो इसके कारण हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत महंगा है। मैं तो बहुत महंगा पिछले साल गया था ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो इतना महंगा है। एक एक फ़ोन करते समय सोचना पड़ता है, 40 सेंट वहाँ एक फ़ोन कॉल का, यहाँ तो इनकमिंग फ्री। तो इसके कारण अब भारत और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कही है विशेषकर डिजिटलाइजेशन की और इस समय जो प्रोग्रेस हो रही है, तो मेरी बात हो रही थी इनके आपके रिलायंस वालों से, तो बता रहे थे कि भारत जो है वो पूरे विश्व में जितना डेटा कंज्यूम होता है उससे अधिक भारत में अकेले कंज्यूम हो रहा है आज की डेट में, जिसमें चाइना भी शामिल है उस पूरे विश्व में। चाइना प्लस अमेरिका से भी ज़्यादा भारत का डेटा अपलोड और डाउनलोड होता है। तो दैट मीन फ्यूचर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस। दूसरा एक है इसमें कि एक शब्द प्रयोग है यूनिकॉर्न। तो 2020 में, 2021 में, 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत ने तैयार किया। अभी सभी को शायद यूनिकॉर्न $1 बिलियन, तो $1 बिलियन, 8,000 करोड़ रुपया फर्स्ट जनरेशन। ये नहीं कि मैं अंबानी का रिश्तेदार हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने पैसा कमाया है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछले 3 वर्षों में भारत है। तो यह एक क्रिटिसिज्म, लोग ये भी कहते हैं कि यूनिकॉर्न बन जाते हैं बाद में वो सिंगापुर चले जाते हैं, बाद में वो दुबई चले जाते हैं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जब दुबई जाते हैं तो वहाँ से पूरे अफ्रीका में आपको व्यापार करने के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि दुबई का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ संबंध है, इसलिए आप वहाँ बैठे हो। लेकिन उसका सारा जितना भी बिजनेस आएगा वो तो भारत में ही आगे करेगा ना। तो भारत का GDP बढ़ने में दुबई आपको मदद करेगा। आप जब सिंगापुर में बैठते हो तो आपको वहाँ से आउटरीच जो मिलता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ से जो इतना भी धंधा आएगा वो भारत में आएगा, तो भारत का GDP से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये भी एक अच्छा है। तो यू पोजिशन योर सेल्फ इन सच ए वे दैट इंडिया कैन बिकम ग्रेट। अगर ऋषि सुनक भारत में ही बैठे रहता तो कहीं किसी को प्रोफेसर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, उससे अच्छा है कि वो वहाँ रहे और देश को एक गौरव का स्थान देते रहेगी। वो तो वैसे भी वो तो अफ्रीका से उनके नहीं, उनका परिवार पूर्वज तो भारत से गए थे, पहले भारत से अफ्रीका गए थे फिर अफ्रीका से वहाँ गए, और वो दामाद तो हमारा ही है। दामाद तो हमारा
बिल्कुल बात सही है। आप तो विदेशों में बहुत रहे हैं, तो विदेशों में क्या आपको लगता है कि उनका जो डेवलपमेंट जिसको वो बोलते हैं, एक तो वो एकांगी है, तो बहुत जैसा वहाँ देखने में लगता है कि लोग जो हैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब केवल मटेरियल डेवलपमेंट है, और दूसरे क्या वो जो मटेरियल डेवलपमेंट है वो भी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है क्या? ऐसा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे देश में कुछ मूलभूत विचार रखा है। हमारे यहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्षम। अर्थ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, लेकिन उसका एक सीमा रहता है। उन्होंने मोक्ष और धर्म को एक, जैसे नदी बहती है तो उसके दो सीमा रखा, तो दो सीमा रखा, तो वहाँ सीमा नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इंडिविजुअलिज्म कहाँ तक सही है, तो गया आउट द बाउंड्री चले गया, तो फिर वो पानी सूख जाता है। व्हेन द रिवर लूसेस इट्स अ ट्रैक एंड गोस एवरीवेयर हियर एंड देयर, देन इट इज़ नो मोर ए रिवर, गटर बन जाता है। तो इनके यहाँ ये हो गया है कि टू मच ऑफ कंज्यूमरिज्म, टू मच ऑफ इंडिविजुअलिज्म के कारण अभी वो किस्म सब आ गया है। तो कोई भी एक सामान्य आदमी भी एक नोबल लॉरेट या बड़े आदमी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। द बेस्ट वे टू बिकम पॉपुलर इज टू क्रिटिसाइज ए बिग मैन, क्योंकि उतने छूट दे दी है। तो हमारे यहाँ कोई धर्म के अंदर रहकर तुम जितना चाहिए उतना आराम करो, उतना मज़ा ले लो, ये बताया था। तो ये एक है, और उनके यहाँ दूसरा है कि इंद्रिय निग्रह नाम का शब्द ही नहीं है, तो इसके कारण दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड ए लास्टिंग पीस। तो इसका एक देखते हैं कि बहुत सारे जो विदेश में पैसा तो कमा लिया, बिलियनियर बन गए, यूनिकॉर्न भी बन गए, उससे भी आगे निकल गए, लेकिन वो नीम करौली बाबा आश्रम में क्यों आते हैं? व्हाट ब्रिंग्स देम देयर? मल्टी बिलियनर्स आर सिटिंग देयर। उसने कि वी आर मिसिंग समथिंग इन आवर इनर लाइफ। तो दोनों का बैलेंस चाहिए। भारत नाउ कैन प्ले दैट रोल ऑफ बोथ। एक समय था कि भारत के पास एक्सटर्नल तो था ही नहीं, केवल इनर था, तो नहीं चलेगा। कि आपके पास मटेरियल साइंस भी होना चाहिए। अब भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो इसके कारण वी विल बी एबल टू शो टू द वर्ल्ड दैट दिस इज द वे ए मैन कैन लिव बोथ द लाइफ। जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था, पिछले वर्ष की जो स्वतंत्रता दिवस की जो उन्होंने स्पीच दी थी, जो भाषण दिया था लाल किले से, उसमें उन्होंने जो बातें कही थी उसमें तीन बातें विशेष रूप से जो हैं वो रेखांकित की थी। और वो एक था कि मानसिक दासता से मुक्ति, और हमारी विरासत का संरक्षण संवर्धन, और नागरिकों के कर्तव्य। तो कर्तव्य जो है वो धर्म का ही दूसरा नाम है, उसको आप प्रकारांतर से कर्तव्य कह सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में भी जो है वो पश्चिम की जो मानसिक दास्ता है, पश्चिम की जो आप ये कह सकते हैं जो भौतिक दास्ता थी वो तो समाप्त हो गई, लेकिन जो मानसिक दास्ता है वो आज तक चल रही है, और बीच में तो ये ऐसा लगता है कि वो और भी अधिक बढ़ गई। अब आपको क्या लगता है कि क्या उस मानसिक दास्ता से हम बाहर आ सकते हैं? ऐसा है कि जब तक आपका एजुकेशन सिलेबस उस प्रकार से नहीं होगा, झट से हम बदल नहीं सकेंगे। इतनी बड़ी देश की जनसंख्या है, तो आज भी हमारा जो करिकुलम है कल तक का समझ लीजिए, तो उसमें भारत, हमारी देशभक्ति, ये सब चीज़ें थी नहीं है। तो फिर जो दिखता है वो तो अमेरिका दिखता है, जो दिखता है वो केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड दिखता है। तो इसके कारण हम लोग में बहुत सारे लोग उसी को आधार मानकर चल रहे थे। अब ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, और वो भी डॉक्टर कस्तूरी रंगन जैसे एक व्यक्ति के कारण, के नेतृत्व में। डॉक्टर कस्तूरी रंगन इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिनको इन द 50 ईयर्स ओनली 4 पीपल हैव गॉट एन अवार्ड फॉर टेलीफोटोग्राफी। तो ऐसे एक व्यक्ति के नेतृत्व में ये बना है। अब इसमें जो कमियां होगी आगे चलकर उसको ठीक करेंगे, लेकिन एक नया दिशा दे दिया है। दूसरा है, उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है और हम कुछ सिखाना चाहते हैं विथ इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस बेसिक आइडियाज़, यू हैव द फ्रीडम टू डू इट। औरंगाबाद वाले सोचेंगे या नासिक वाले कुछ सोचेंगे कि हमको ऐसा, जयपुर वालों को लगेगा कि हमने इनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, दे सकते हैं। राजेंद्र चोलन के बारे में तमिलनाडु के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इतनी भी छूट उन्होंने दी है। तो मैं समझता हूँ इसका 10 साल आप देखिए, 5 साल देखिए, तो बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है।
तो फिर ये मानसिक गुलामी अपने आप निकल जाएगी। एक और भी ये बात आती है, हम जब हमारे यहाँ भी आप जानते हैं कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, यहाँ पर वामपंथी विचारधारा जो है वो उसने एक तरह से हम कहें कि यद्यपि उन्होंने राजनीतिक रूप से तो उन्होंने शासन नहीं किया है लेकिन मानसिक शासन बहुत लंबे समय से किया है उन्होंने, तो वो तो पूरी जो राष्ट्र की अवधारणा है जो हमारे एक सभ्यता मूलक या जिसको हम सिविलाइजेशनल नेशन कहते हैं, जो भारत में जो राष्ट्र की जो अवधारणा है वो तो उसके उलट जो है वो यूरोपियन का जो सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जो आपका एथनीसिटी पे है, रेस और एथनीसिटी वाला, उसको लेके और फिर यहाँ पे खड़ा कर देते हैं कि साहब कि भारत तो एक देश ही नहीं है, भारत तो एक राष्ट्र ही नहीं है। अब इसका तो प्रतिकार जो है वो तभी हो सकेगा जब हम अपनी सभ्यता मूलक अपनी जो शिक्षा है उसको नीचे तक पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल सही है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब फ्रांस में था तो फ्रांस के बॉर्डर और उसके बाद बेल्जियम आता है, तो बेल्जियम इज़ दी कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है फ्रांस में आए और मुझे मिलने के लिए, बताया कि कल तुम्हारा ब्रेकफास्ट मेरे साथ है, केवल औपचारिक रूप से मैं तुमको पर्सनली मिलके जा रहा हूँ। तो मैंने बोला मेरा यहाँ एक लेक्चर है, आप थोड़ा सुनकर जाइए। नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, 5 मिनट बैठिए, पीछे बैठिए और फिर निकल जाइए। तो थोड़ी देर बैठे रहे और पूरा 1 घंटा वो बैठे रहे, और फिर बाद दूसरे दिन जब उनके पास मैं ब्रेकफास्ट में गया तो आप पूरे देर बैठे रहे। अरे भाई साहब, आपने पहला जो वाक्य कहा उसी से मैं थक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला मैंने ऐसा क्या विषय रखा, मैं तो उतना स्ट्रक्चर में पढ़ के नहीं बताता हूँ, ऐसे ही कुछ बताया होगा। बोले कि आपने बताया कि आपके रुपये के नोट में 20 भाषाएँ लिखी है, 1 रुपया, 1 रुपये वगैरह वगैरह अलग अलग भाषाओं में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाषाएँ रिकग्नाइज है, और इसके अलावा 1000 बोलियाँ भी चलती है, फिर भी 1000 साल में हमारे यहाँ कहीं भाषा को लेकर झगड़े नहीं हुए हैं, इतनी विविधता भारत में है, ऐसे अलग अलग। अरे भाई साहब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है, बेल्जियम जो देश है वो यूरोप में बहुत छोटा देश है, केवल 50 लाख उसकी जनसंख्या है, उसका एक बॉर्डर फ्रांस के साथ, एक बॉर्डर जर्मनी के साथ, एक बॉर्डर हॉलैंड के साथ है। तो जो फ्रांस के बॉर्डर वाले बोलते हैं हमारी भाषा फ्रेंच है, हमारी भाषा फ्लेमिश यानी हॉलैंड की है, हमारी जर्मन भाषा है, तो इसको 3 टुकड़े करो, ऑलरेडी इट इज़ अ स्मॉल कंट्री, और उसके भी 3 करना है। तो बोले ऐसे क्यों सोचते हैं वो, तो बोले कि हमने जो डेफिनेशन ऑफ नेशन किया है उसमें 4 बातें बताई है। अगर आपका नेशन का आइडेंटिटी का मतलब यू मस्ट हैव 1 लैंग्वेज, यू मस्ट हैव 1 रेस, यू मस्ट हैव 1 रिलीजन एंड यू मस्ट हैव ए कॉमन एनिमी। अरे भाई साहब, एनिमी के बिना आप देश बन ही नहीं सकता, तो बन ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है यूरोप में बाइनरी हो गई ये तो। तो इसका मतलब है यूरोप में हर 20 साल में कोई ना कोई युद्ध होते रहेगा। तो उन्हें बता यही प्रॉब्लम है, मैं यूरोपियन यूनियन को जोड़ने के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम है इन फ्रांस यू कैन नॉट फाइंड 10 पीपल हु विल से इंग्लैंड इज ऑल्सो ए ग्रेट कंट्री। इंग्लैंड के 10 लोग नहीं मिलेंगे जो जर्मनी को तारीफ करेंगे, जर्मनी में 10 लोग नहीं मिलेंगे स्वीडन के बारे में अच्छा बोलेंगे, ये चलता है जी। इसके लिए उनके पास एक ऐसा इतिहास नहीं है, परंपरा नहीं है कि देश का मतलब एक एनिमी के बिना भी देश हो सकता है, वो भारत के पास है। तो इसलिए अब ये सब बातें हम जब तक हम अपने देश में करके नहीं दिखाएंगे तो दुनिया को क्या हम दिखा सकते हैं। तो हमने जो सिस्टम वहाँ से ले आया है, डेफिनेशन ऑफ नेशन, डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सिटीजन वगैरह, तो उसमें से धीरे धीरे हमको ये सब हटाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि हमारे तो पूरी तरह से जो सभ्यता मूलक और एक जिसको एकात्मता की बात जो होती है, तो जो एकात्मता, आपने एकात्मता की बात की, मुझे रोटरी क्लब बैंकॉक में बुलाया था, उनके यहाँ एक समस्या हो गई। तो रोटरी बैंकॉक इस किंगडम ऑफ थाईलैंड में आप कोई भी संस्था केवल थाई भाषा में चला सकते हैं, लेकिन विदेशी लोग जितने भी है वहाँ उन सब लोगों को मिलकर एक ही एक स्कूल चला सकते हो, उन सब लोगों को मिलाकर एक ही एक रोटरी क्लब बनता है बैंकॉक का। तो उसमें साउथ अफ्रीका के भी लोग होंगे, उसमें जापान के लोग भी होंगे, चाइना के होंगे, फिर यूरोप के लोगों के, सबके मिलाकर एक है जहाँ अंग्रेजी भी कामकाज चलता है। वहाँ जिस साल में जो वार्षिक प्रोग्राम होता है उसमें एक प्रोफेसर को बुलाया था, लेकिन अचानक प्रोफेसर ने बोला कि मैं तो अभी एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, मुझे जल्दी से जाना पड़ रहा है,
साउथ अफ्रीका, इसलिए मैं तुम्हारे उस कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। अब 7 दिन के पहले उन्होंने नोटिस दिया कि अभी दूसरे को ढूंढो, तो वहाँ के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को भी अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है, तो क्या करें। तो मेरे दोस्त भी वहाँ मेंबर था, समझा कि रवि कुमार को बुला लो, वो तो अंग्रेजी में बोलता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने बोला कि आप बताइए आप किस प्रकार के लोग आते हैं। तो उन्होंने बताया व्यापारी लोग भी आते हैं, वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाए हैं, उसके CEO है, प्रोफेसर से लोग हैं, ऐसे लोग हैं, और अलग अलग देश है, उन्होंने बताया। ठीक है, उन दिनों में मैनेजमेंट में सिखाया जाता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो मैंने बोला कि बियॉन्ड TQM मैं बोलूँगा। उन्होंने साहब भाई साहब हमको ऐसे अपमानित मत करो, ऐसा कोई विषय है ही नहीं दुनिया में। मैंने कहा 10 साल पहले तो TQM भी नहीं था ना, तो एक नया आया, तो मैं एक नया विचार रखता हूँ बियॉन्ड TQM, लेट अस ऑब्जर्व। उन्होंने कहा दूसरा कोई मिलता नहीं है यहाँ, जो बोलता है बोलने दो, और अंडे गिरेंगे सड़े हुए तो उनके ऊपर ही गिरेगा ना, हमें तो कुछ नहीं, तो उसको जो बोलना है बोलने दो। मैंने बोला तो मैं तो अपना कार्ड भी लेके आता हूँ, सबको दे देता हूँ, कोई चिंता नहीं है, और जितने प्रश्न पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने का। वो चला उसमें, तो उसमें एक प्रश्न पूछा था, आपने बताया कि उस समय तक TQM में एक आता है लास्ट लाइन कि आपने अपने फैक्ट्री में काम करने वालों की सुविधा के लिए आपने हॉस्पिटल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, कॉलोनी बनाना चाहिए, टोटल उनके लिए देखना चाहिए सब, लेकिन इसके लिए पैसा कौन देगा, तो ग्राहक देगा ना, तो ग्राहक इज द अल्टीमेट विक्टिम, कोई ना कोई एक शत्रु तो चाहिए ना उनके सोच में। मैं कि ग्राहक है तब तक तुम काम कमा सकते हो, ग्राहक भी तुम्हारा ही पार्टनर है, तो थिंक ऑफ द बेस्ट ऑफ द ग्राहक के लिए क्या चाहिए भी सोच के आपके करना चाहिए, दैट इज बियॉन्ड TQM मैंने बताया था। तो एक ने प्रश्न पूछा, इंडिया एंड चाइना आर नेवर फ्रेंड्स, डू यू थिंक दैट चाइना एंड इंडिया कैन एवर बिकम फ्रेंड्स। तुम बता रहे हो कि सभी लोग हमारे दोस्त हैं, सभी सर वसुदेव कुटुंबम बताए। तब मैंने उनको बताया कि आप ज़रा सोचिए, चाइनीज सिविलाइजेशन इज 5000 ईयर्स ओल्ड, यहाँ कुछ चाइनीज लोग बैठे हैं पूछ लीजिए, और इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो 5000 ईयर्स ओल्ड, प्रॉबली मच मोर, हाँ उनके लिए उतना काफ़ी है। और फिर एक समय प्राचीन काल से भारत और चाइना का जो बॉर्डर था 3000 किलोमीटर, टेल मी इन दिस 5000 ईयर्स एंड 3000 किलोमीटर्स एक्सेप्ट 1962 कभी बड़ा युद्ध हुआ था क्या? हाँ, इसने मेरा गाय चुरा लिया, उसने मेरी बकरी ले लिया, ऐसे कुछ छुटमुट झगड़े होते थे, कुछ बॉर्डर को लेकर होते थे, कहीं भी मेजर वॉर नहीं हुआ। टेल मी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ नॉट फॉट लाइक दिस, ऐसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहे हैं। तो ये है हमारा, बिकॉज चाइना एट द टाइम वॉज ए बुद्धिस्ट कंट्री एंड ए हिंदू इंडिया नेवर फॉट विथ ईच अदर। जब हम भटक गए, हम सेक्युलर, हम सोशलिज्म ले लिए यूरोप का, और वो भटक गए, उन्होंने कम्युनिज्म ले लिया यूरोप का, तब मेजर वॉर 1962 में हुआ, अदरवाइज टेल मी वन वॉर। लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। कार्यक्रम के बाद दो चाइनीज आए, मुझे मेरा हाथ ऐसे ऐसे शेक कर रहे थे, और गदगद होकर बताया कि यू सेड समथिंग दैट वी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बट इट इज़ एक्चुअली करेक्ट। तो है कि इंडिया हैज़ टू रीडिस्कवर इट्सेल्फ एंड प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड इन द प्रॉपर वे। तो अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कई सारे वैज्ञानिकों के नाम लिए, तो इनमें से बहुत सारे नॉमिनेट भी होंगे, और हमारे यहाँ भी वैज्ञानिकों में भी एक गुरु शिष्य परंपरा की छाया दिखाई पड़ती है, आप क्या कहेंगे? गुरु शिष्य की ये परंपरा हमारे जीन्स में है, और कुछ दिखता है कि पहले ज़माने में उसको एक फॉर्मलाइज किया था और गुरुकुल वगैरह था, लेकिन हम देखते हैं कि गुरु के प्रति आदर आज भी है, और इसरो में तो बहुत अच्छी तरह दिखता है। इसरो का जिन्होंने स्थापना किया था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, तो उन्होंने कई साइंटिस्ट को खड़ा किया, विक्रम साराभाई उनमें से एक थे, और विक्रम साराभाई के जब चेयरमैन थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट निकले, उसमें से एक सतीश धवन, और सतीश धवन के कारण फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम, और वो परंपरा अभी तक चालू है। विक्रम साराभाई भी थे? विक्रम साराभाई वो थे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ साइंटिस्ट लोगों की एक अच्छी परंपरा है और आगे चलते रहेगी, क्योंकि ये हमारे जीन्स में है। अब मिलिट्री में भी देखेंगे तो एक के बाद इतने सारे योद्धा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, ये सब ट्रेनिंग के कारण है, और उसमें सब में एक शब्द है श्रद्धा। हम अपने बड़ों के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, ये श्रद्धा शब्द जब तक अंग्रेजी में नहीं आएगा और उनके डीप रूटर, तो वहाँ ये सब परंपरा नहीं बन सकेगी। तो हमारे में ये अच्छा है कि हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी परिपाटी बनाई है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, लगता है कि नहीं है, लेकिन ऊपर का धूल निकाल दो फिर से वो चमकने लगेगा। तो आप अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का बहुत
अनेकों बार नॉमिनेशन हुए नोबेल प्राइज़ के, लेकिन फिर भी उन्हें प्राइज नहीं मिला है। हाँ, मेघना शाह का कई बार नॉमिनेट हुआ था, विक्रम साराभाई होमी जहांगीर भाभा का भी 3 बार नॉमिनेट हुआ था, सत्येंद्रनाथ बोस का 7 बार नॉमिनेट हुआ था, नहीं मिला। नहीं देने के पीछे वो बार बार यही बताते हैं कि उसके पास PhD नहीं है, तो PhD तुम दिला देते किसी यूनिवर्सिटी से, जब आपको लगता है कि वो क्वांटम फिजिक्स में भी उनका योगदान है और अलग अलग विषयों में योगदान है, दे सकते थे। तो ठीक है, एक समय था वो, अब हमने आगे का सोचना है कि आगे बहुत सारे नोबेल प्राइज हम ला सकेंगे। उस प्रकार से टीचर्स लोगों में ये आज आत्मविश्वास चाहिए कि हमारा लड़का नोबेल लॉरेट बनेगा, तो एक आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत तो भविष्य तो मैं बताया कि यूनिकॉर्न में भारत आगे है, डिजिटल में आगे है, तो एक अच्छा नेतृत्व तो मिलता है तो दुनिया भारत कहाँ से कहाँ जाता है। एक कहानी बताते हैं, एक बार युद्ध हुआ था 100 गधे और 100 शेर के बीच में, और गधे जीत गए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गधे का नेतृत्व तो एक शेर कर रहा था, तो नेतृत्व तो कौन करता है इसके ऊपर रहता है। लेकिन आज हमारे इसरो एक शेर है, आज हमारे जो मिलिट्री है वो एक शेर है, हमारे एग्रीकल्चर हो, हमारे कामगार हो, स्किल्ड लेबर हो, ये सब लोग शेर है, साइंटिस्ट लोग शेर है, लेकिन नेतृत्व तो उनको चाहिए था, आज नेतृत्व तो भी एक शेर बैठा है। तो शेरों का नेतृत्व तो जहर करेगा तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। अभी अभी एक सप्ताह पहले IMF का रिपोर्ट है कि इन द फ्यूचर वी सी इंडिया टेकिंग द स्टेलर रोल। तो इतनी बड़ी देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को लेकर जा रहा है, इट इज़ ए यूनिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड, और डेमोक्रेटिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इज इंडिया। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि कुमार जी आज के इस वार्ता के लिए, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।